ये जो जीत का सिलसिला है ये चल रहा है, ये एक विजय रथ है मोदी का जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चर्चा लगातार जारी रहेगी और इस क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, तो ये हर्षोल्लास मनाने का हक तो हमें भी है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमसे गुजर के ही ये सारी खुशी आप तक पहुंच रही है, तो इसकी खुशी हम भी मनाना चाहते हैं। आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री के घर में उनकी जीत हुई है। आप पूरे देश भर में राज करें, आप विश्व भर में परचम लहराएं, लेकिन अगर दिया के तले अगर अंधेरा होगा तो ये शायद थोड़ा सा नर्वस करने वाला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत खुशी, बहुत हर्ष का विषय है। तो आइए चर्चा हम करते हैं, हमारे राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो मिश्रा जी, ये जैसा मैंने कहा कि ये दरअसल जो हुआ हिंदुस्तान में, कल आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबर आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी। और इस दौड़ में कि कितने मीडिया प्रकाशन, कितने अखबार, कितने टीवी चैनल्स, कितने मीडिया सोर्सेज, कल सुबह इस बात की चर्चा करेंगे, ये रात की हेडलाइंस में होगा। इन देशों की हम गिनती नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। अगर देश में पूरे विश्व के पटल पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया आपके बारे में बात करते हैं तो बाकी तो देशों का बात करना बनता है। नहीं देखिए, आपने बहुत सही ये पॉइंट उठाया है। इंडिया जो है वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र, और केवल साइज या नंबर ऑफ वोटर्स या पॉपुलेशन के हिसाब से ही बड़ा नहीं है। यहाँ की जो डेमोक्रेसी है और जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इलेक्शंस वगैरह के जो डायनामिक्स है, इन कंपैरिजन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज या यूएसए वगैरह के हिसाब से बहुत टफ है, टफेस्ट है। यहाँ के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करना, जीत हासिल करना अपने आप में एक बहुत अनोखा और बहुत कठिन काम है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, अखिलेश यादव जी ने यूएसए के लोगों से, मतलब हार्वर्ड के जो थे कंसल्टेंट, उनसे लिया था, आप रिजल्ट देखिए क्या है। बाहर के पॉलिटिकल कंसल्टेंट या एक्सपर्ट यहाँ के लोगों, यहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझ ही नहीं सकते हैं। तो लोग पूरे दुनिया में इस चीज को लेके अचंभित होते हैं कि 1.2 बिलियन, मतलब की आबादी को, लोगों को, उनके दिमाग को मैनेज करना, उनकी साइकोलॉजी को मैनेज करना और मोटिवेट करना कैसे ये कोई पार्टी कर रही है इंडिया में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे मोदी जी हो या कोई भी हो। तो इस हिसाब से बाहर के न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, उन सब के लिए, हार्वर्ड के लिए, तो ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट होता है कि इतने बड़े इलेक्शंस में कोई पार्टी कैसे लगातार जीत हासिल करती चली जा रही है। तो सारी दुनिया की निगाहें इंडिया के छोटे से छोटे इलेक्शंस पे भी लगी रहती हैं और वो इसलिए लगी रहती हैं कि शायद हमें कुछ सीखने को मिल जाए और ये हम सब के लिए गर्व की मुझे, बात मुझे एक बात पर हंसी आती है, जैसा आपने कहा। दरअसल मैं आपको बताता हूं, इसका जन्म, ये जो उत्पत्ति है इस विचारधारा की कि अगर आपको देश में चुनाव लड़ना है, आपको प्रदेश में चुनाव लड़ना है, तो इसके लिए आपको प्लानिंग यूएस से करानी पड़ेगी, प्लानिंग आपको ऑक्सफोर्ड से करानी पड़ेगी। इसकी शुरुआत दरअसल शाइनिंग गुजरात से हुई है। शाइनिंग गुजरात जब था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और जब वो अपने आप शासन नहीं थे, चुनाव लड़ने के लिए। सर आप 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 अपने को जो मानते हैं, जो सुजानपुर से आपने कहा था और ये कल आपने तंज भी कसा था कि प्रेम कुमार धूमल की साख भी दांव पे लगी है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं अभी तक काफी खतरे में, क्या कहेंगे आप? नहीं जी, वो हमारे पार्टी के मेंबर हैं जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल जी को हराया है, उसके लिए मैं हमारे जुराना साहब को, जो वहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको बधाई देता हूँ। सर प्रेम कुमार धूमल पीछे चल रहे हैं। ओके यही चल रहा है। सर आपका जो इस बार का मार्जिन वो काफी कम हो गया है, आप 28,000 वोटों से रोडू से जीते थे, 20,000 वोटों से आप शिमला ग्रामीण से जीते हैं 2012 में, लेकिन इस बार आपकी जीत जो अर्की से 6,000 की हुई है, इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? क्या वहाँ कंपटीशन बढ़ गया था क्या? नहीं, नई जगह थी, मैंने कुछ छांट कर नहीं की, चाहता था कि जो क्षेत्र काफी अरसे से जहाँ कांग्रेस जीत नहीं जीती है उस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूँ। ऐसे अर्की जो है वो कोई आसान कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, फिर भी मैंने उसको छांटा। चलिए, तो ये तो मुद्दा रहेगा, जीत और हार का, जीत का जश्न मनाया जाए और हार की समीक्षा की जाए कि क्या हुई, क्यों हुई, कारण क्या रहे। ये तमाम राजनीतिक गणितज्ञ हैं जो इस पर चर्चा करते रहेंगे, हम भी आगे आपको दिखाते रहेंगे। लौटते मुद्दे की तरफ हैं, तो मैं एके मिश्रा आपको ये बता रहा था कि दरअसल जैसा आपने कहा, बीच में हमने राजनीति के एक चाणक्य का भी नाम सुना था, उन्होंने काफी चुनाव मैनेज किए, स्ट्रेटेजी बनाई, राइट, ठीक है। बिहार में आपने उनका नाम सुना होगा, पंजाब में उनका नाम सुना होगा, अखिलेश ने भी उनका उपयोग किया। सवाल यह है कि जिस वक्त शाइनिंग गुजरात चल रहा था, ये नारा जब हमने देखा
और ये तब का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मैं एक सुयोग्य उम्मीदवार हूं क्योंकि मैंने गुजरात चमकाया, गुजरात का मॉडल वो लोगों को दिखाते थे। दरअसल उस वक्त जो प्लानिंग करने वाले लोग थे, जो प्लानर थे, वो गुजराती समूह था जो अमेरिका में, जो ब्रिटेन में, जो डेनमार्क में बसा हुआ था। ये वो गुजराती एनआरआईज थे जो वहां पर रहकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हुआ करते थे वो, और वो अपनी जमीन से जुड़े हुए थे, वो गुजरात से जुड़े हुए थे, और वो पीएम के लिए कुछ करना चाहते थे। भाई सीधी सी बात है कि आप जहां के रहने वाले हैं, आप आज दिल्ली में काम कर रहे हैं, अगर कल को आपकी जमीन से पुकार आती है कि एके मिश्रा जी आप हमारे लिए कुछ सोचिए, कुछ करिए, कुछ मदद कीजिए, तो आप करेंगे। ये तो हमारा हर्ष का विषय है, हमारे लिए जोश का, उत्साह का विषय। मैंने आपको पहले ही बोला, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं जी, वहां पे भी जो थे जिन्होंने प्लानिंग की है वो भी इंडियंस थे और वो जमीन से जुड़े हुए इंडियन थे, भले ही वहां है लेकिन वहां पे रहते हुए भी उनको यहाँ के सारी चीजें पता है, गांव देहात क्या है, कैसे है। पहली चीज, फर्क जो है ओरिजिन, ये हाँ ओरिजिन, फर्क जो मैं बोलना चाहता था वो ये है कि एक ऐसा आदमी जिसकी नस्ल ही अलग है, ब्रिटिश है, यूएस का नागरिक है, वही पैदा हुआ, वो उनको सर 3-4 हजार से ज्यादा लैंग्वेज है, कोस कोस पे बदले बानी पानी, चार कोस पे बदले बानी, हार्वर्ड को तो समझने में 20 साल लग जाएंगे। इसका ताजा एग्जाम्पल है, अखिलेश जी ने हार्वर्ड के प्रोफेसर से लिया तो क्या हुआ रिजल्ट, जितनी सीट थी वो भी नहीं बचा पाए, 49 सीट्स पे चले गए यूपी इलेक्शंस में। तो ये एक इतना क्लिष्ट सब्जेक्ट है और बाहर के लोगों के लिए एक, देखिए इंडिया हमेशा से ही बाहर के लोगों के लिए एक रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ के सिस्टम, चाहे चुनाव हो चाहे जो भी हो, ठीक है हम बाहर की मदद क्या ले सकते हैं, हम टेक्नोलॉजिकल मदद उनसे ले सकते हैं, उनके यहाँ कैमरे अच्छे हैं तो हम मंगा लेंगे, वीडियो शूटिंग, लेकिन जो क्रक्स है, जो आत्मा या सोल बोली जाती है स्ट्रेटजी की, क्या बोलना है, कैसे करना है, क्या मुद्दे होने चाहिए, ये तो सब इंडियन ही डिसाइड करते हैं ना। अच्छा एक चीज और देखिए, मुझे इस जीत को देखकर एक बार बार ये चीज बहुत इंप्रेस करती है, बहुत प्रभावित करती है जी, कि आपने भाषण का दौर देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो उनके बोल शुरू में यह हुआ, शुरू में विपक्ष ने निशाना साधा कि आप तो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, आप तो यूएस में जाते हैं, आप वहां भी हिंदी बोलते हैं, आप जैसे तैसे आपने अंग्रेजी बोलना शुरू किया तो आप ट्रांसलेट की हुई अंग्रेजी बोल रहे हैं, यानी कि आपकी अंग्रेजी के वर्ड भी हिंदी में लिखे हुए हैं साहब, वो जो कुछ भी हो। मैंने ये चीज नोटिस की और देखी कि वो बात जनता के, आम जनता के दिल में उतरती है, उसके मानस पटल पर असर करती है, चाहे वो रेहड़ी रिक्शे वाला हो, चाहे गांव का मजदूर हो, जो भी सभाओं में पहुंचता है बीजेपी की, उसे वो चीज प्रभावित करती है। एक कड़वा जहर का घूंट आपने पिलाया, लेकिन वो जहर का घूंट साबित हुआ है एक, कहना चाहिए कि दवाई, आप किसी को भी कड़वी दवाई पिलाई, कुनेन की एक गोली आती है, आपको शायद नाम से आपने सुना होगा, सारी दवाइयां आप देखेंगे तो केमिकली होती है, कड़वी होती है, लेकिन एक मलेरिया को मिटाने की एक दवाई आती है जो कहा जाता है बहुत हद से ज्यादा कड़वी होती है, लेकिन उसे आप पी लीजिए तो मलेरिया जड़ से खत्म हो जाता है। वो सिंकोना प्लांट के, उससे बनता है, छाल से बनता है कुनेन जो आप बता रहे हैं जी। तो ये जो मुझे लगता है नोटबंदी और जीएसटी, ये वही कुनेन की गोली थी। देखिए वो सर नोटबंदी और जीएसटी डिफरेंट है, ये बीजेपी वाले भी मानते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बोला था कि नोटबंदी का जो खामियाजा मुझे राजनीतिक भुगतना पड़ेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा अगर नोटबंदी और जीएसटी नहीं हुई होती तो शायद ये 150 का मैजिकल आंकड़ा टच कर जाते, ये एक लेटेंट डायनामिक्स है जो दिख नहीं रहा है, हालांकि जो जीता वही सिकंदर, एक सीट से भी आप जीतते हो तो आपका पावर और सारी चीजें वही मिलेंगी जो आप 50 सीट से या 100 सीट से जीतेंगे। तो नोटबंदी का इम्पैक्ट ये है जो कि बीजेपी इतनी सीज हो गई है, अभी आपका जो टीवी स्क्रीन दिखा रहा है बीजेपी 98 पे और कांग्रेस 81 पे, अगर ये नहीं होता नोटबंदी का, अगर निगेटिव फैक्टर नहीं होता तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना था। ये आप फर्क को समझिए, आप उन चीजों को भी देखने की कोशिश करिए। देखिए निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट, कोई भी आदमी एक्शन लेगा तो उसका रिएक्शन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ वोट जीएसटी और नोटबंदी के कारण शिफ्ट हुआ है, ये बीजेपी को समझ में आने लगी है, इसीलिए उन्होंने 28% से बहुत सारे चीजों को जीएसटी से हटाया, जीएसटी कम किया, बहुत सारे जीएसटी में उन्होंने चेंजेस किए, क्योंकि ये भाग गए थे उस चीज को। अच्छा ये बताइए कि ये अगर गुजरात ना होता, ये अगर पंजाब होता, ये अगर साउथ के कुछ स्टेट्स होते, तो बीजेपी को मिलने वाले आंकड़ा यही होता है 182 का, तो ये आप क्या लगा पा रहे हैं अंतर? ये गुजरात की जीत है, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे इसीलिए ये 98 हम देख रहे हैं, या ये फिगर दूसरे स्टेट्स में घट सकता था जिनके मैं नाम ले रहा हूँ? नहीं, डेफिनेटली घटेगा, मैं आपको उसका बताता हूँ। आप इसका एक पीछे ही एग्जाम्पल लीजिए,
हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी सारी टीम, सब कुछ वही थी। और एग्जाम्पल है दिल्ली का इलेक्शन और बिहार का इलेक्शन, वहां परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इंडिया की तो ये विशेषता है सर, जो मैंने आपको बोला, हर स्टेट में सारे डायनामिक्स अलग है। हाँ, हो सकता है इतना, अगर यही इलेक्शंस किसी और स्टेट में हुए होते तो हो सकता है बीजेपी बुरी तरीके से हार जाती। एक गुजराती फैक्टर होने के कारण पब्लिक का एक सिंपैथी ये भी था कि भाई प्रधानमंत्री जी को हमने, मतलब गुजरात के सीएम को जिता करके अगर हमने प्रधानमंत्री बनाया, मतलब एक तरीके से हमने घोड़े पे चढ़ाया, तो अब कुछ भी हो, गलत हो सही हो, उनके डिसीजन हम उनको घोड़े पे ही चढ़ा के रखेंगे, हम उनको नीचे नहीं उतारेंगे। ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर इस इलेक्शन में बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है, और यही रीजन है कि ये मार्जिनल विक्ट्री इनकी हो रही है। अगर ये सारे फैक्टर नहीं होते और दूसरा स्टेट होता तो डेफिनेटली बीजेपी को बहुत ज्यादा लॉस होता। अच्छा, क्या अमित शाह इस वक्त अफसोस मना रहे होंगे कि जिग्नेश, अल्पेश, हार्दिक, इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि आप देखिए क्या हो गया, हम तो बिल्कुल बॉर्डर पे जीते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, 101%। देखिए, बीजेपी और उसके रणनीतिकार जो है वो बहुत गंभीर है। वो एक डिफरेंट चीज है कि कोई भी आदमी पब्लिक में आके या टीवी पे आके नहीं बोलेगा, लेकिन जब इनकी अंतर चर्चा होगी, इनका इंटरनल अपना रिव्यू होगा ना, तो ये तीनों लोग हेडक तो उनके लिए बने हुए हैं, और इलेक्शन कैंपेन में भी बने हुए थे हेडक, और पब्लिक भी इस चीज को समझने लगी थी, थोड़ा बहुत इनकी तरफ घूमने लगी थी। एंड दिस इज द रीजन कि कांग्रेस, देखिए आप 81 पे है, अगर कांग्रेस पिछले परफॉर्मेंस से कुछ ज्यादा भी हो जाती है ना, तो ये कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली ऐसे जगह पे जहां पे कि बीजेपी का पूरा कब्जा है, सेंटर में भी बीजेपी है, सब कुछ है, उतने पे भी इतना परफॉर्म करना कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी चीज है सर। नहीं, और कांग्रेस अकेली नहीं कर सकती थी, अगर जिग्नेश, अल्पेश, हार्दिक, नहीं वो अरविंद केजरीवाल, वो कोई फैक्टर नहीं है। आपको मैं बताऊं, सब लोग टाई अप कर सकते हैं, सब लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जो है ये सब चीजें करते हैं। अच्छा। डमी कैंडिडेट वगैरह भी लोग खड़ा करते हैं, तो ये तो ओपन है। आप जो रणनीति अपना, कांग्रेस ने मना किया था क्या? तो सहयोग मिला ना, लेकिन नहीं, सहयोग तो सबको मिलेगा, बीजेपी को भी बहुत सी चीजों का सहयोग मिला है। आप यूपी इलेक्शन में देखिए कितनी छोटी छोटी पार्टियों से, इलाहाबाद में जो ये कौन सी पार्टी है, अपना दल, उससे उन्होंने टाई अप किया। हो सकता है अपना दल जैसी छोटी छोटी पार्टियों से टाई अप नहीं किया होता तो फिगर कुछ और होते। तो इट इज ओपन वॉर सर, इलेक्शन के पहले आप जिससे कर सकते हो, किसी ने किसी को नहीं रोका है। आप चाहते तो आप हार्दिक पटेल को रोक भी सकते थे, अपने तरफ भी मिला सकते थे, कुछ भी, तो रास्ते हार्दिक कैसे लीजिए, हार्दिक अगर मिल जाते तो हार्दिक की तो आप पास तो छोड़ी, फ्यूचर खराब हो जाता हार्दिक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये आपको ऐलान करना पड़ेगा, हार्दिक ने तो वो हड्डी गले में फंसा दी है। हां, वो ठीक है, आरक्षण का परसेंटेज जो है वो गले की हड्डी, हां वो एकदम सही है, कांग्रेस निकल सकती ना, बीजेपी निकल सकती, हां वो है। हार्दिक पटेल इस वक्त जो है आंखों की किरकरी बने हुए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में बोला जाता है, जैसा गुजरात से हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि उनकी तो रोजी रोटी इसी पे चल रही है, बीजेपी का विरोध सर, वो सारी रोजी रोटी, अब देखिए जिसका जो प्रोफेशन है उसकी रोजी रोटी उसी से चल रही है, सारे प्रोफेशन, सारे नेता, चाहे वो मंत्री हो, मिनिस्टर हो, उनकी रोजी रोटी भी, तनख्वाह तो उनको गवर्नमेंट से ही मिलती है ना, तो उनकी भी रोजी रोटी पॉलिटिक्स से ही चल रही है। मैं ये बोलूंगा कि देखिए पॉलिटिक्स के बारे में बोला जाता है, नो वन इज परमानेंट, यू कैन से फ्रेंड और फो, ना कोई दुश्मन है ना कोई मित्र है। ठीक है, आज ये दुश्मन लग रहे हैं, कल को शेक हैंड भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वजन ज्यादा होगा अपने आप ढाल बनेगा। नहीं, वजन देखिए आप सर बड़े डिप्लोमेटिक द्विअर्थी शब्द बोल रहे हैं, अब वजन का मतलब पैसे का वजन होगा, किसका वजन होगा? नहीं, वजन मतलब सत्ता का वजन, भाई सीधी सी बात है, ठीक है, सत्ता का वजन है, जहां छाता बड़ा होगा मुझे बारिश से बचने की जगह जहां मिलेगी मैं पहुंच जाऊंगा, तो वो है विपरीत परिस्थितियों से जहां मुझे सुरक्षा मिले। देखिए, आपने कभी सोचा था कि यूपी इलेक्शन में बाद में मुलायम सिंह यादव जी ने भी बीजेपी के फेवर में कई चीजें बोली? आपने कभी सोचा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया बीजेपी के फेवर में बोलेंगे? इतनी बड़ी उनकी पॉलिटिकल राइवलरी है और एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ रहे थे। तो देखिए, नीतीश कुमार का देखिए, बीजेपी के खिलाफ लड़के उन्होंने सरकार बनाई, आज दोनों गलबैया डाल के घूम रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे फ्रेंड बने हुए हैं। तो परमानेंट कुछ नहीं है सर, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहने वाली तस्वीरें हैं, और ये जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे थे कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने वाले हैं, और हम सब इस बात से आश्वस्त थे कि दरअसल बीजेपी का गढ़ गुजरात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है, इतिहास बताता है वहां पर कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा रहा है। अमित शाह खुद, नरेंद्र मोदी खुद जमीन से जुड़े नेता गुजरात के रहे हैं, तो वो गुजरातियों की, गुजरात की आवाम की नब्ज को पकड़ने वाले, टटोलने वाले रहे हैं। एक मिश्रा मुझे बता दीजिए, अगर आप किसी जमीन से जुड़े हुए हैं, आप वहां के आम आदमी की, आवाम की आप नस पकड़ना जानते हैं,
कांग्रेस के जो नेता हैं वो वहां का गणित अपना लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अल्पेश, यज्ञेश और हार्दिक ने इस जीत में 81 की सीटों में सहयोग तो निभाया है। नहीं, वो डेफिनेटली तो प्ले किया है, इन्होंने कैसे प्ले किया है मैं आपको अब ये भी बता देता हूँ। इलेक्शन आप दो कारणों से जीतते हैं सर, या तो आप अपने तरफ वोट को स्विंग करा लीजिए, अट्रैक्ट कर लीजिए एडिशनल, या तो आप ये करिए कि दूसरे को दूसरे पार्टी का जो है वोट जाने ही मत दीजिए, पढ़ने ही मत दीजिए, रोक दीजिए उसको। तो जिग्नेश वगैरह ने, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों का जो ट्रियो था, जो तिकड़ी थी, इन्होंने बीजेपी के वोट बैंक को स्विंग कराया है, बीजेपी के वोट बैंक को सीज किया है। अब वो चाहे 1% हो चाहे 10% हो, रिजल्ट्स बाद में दिखाए जाएंगे, डिटेल में एनालिसिस है। और यही रीजन है कि बीजेपी 100, 105, 110 पे जा रही है, और 115, 117 तो इनका पिछले इलेक्शंस में था। अगर ये पिछले इलेक्शंस के उसको भी टच नहीं कर पाए 115, 117, तो आपको मानना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल हस्ती पार्टी होते हुए पीएम से लेके सीएम वगैरह सब लगे हैं और पिछले इलेक्शन से कम गया, तो किसी न किसी तरीके से इसको सर मैं अंडर परफॉर्मेंस मानूंगा। हार तो नहीं बोलूंगा, अंडर परफॉर्मेंस है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि गुजरात में हो चाहे हिमाचल में हो, दरअसल जो व्यवसायिक तबका है, जो व्यापारी वर्ग है, वो बहुत नाराज है। नोटबंदी से लेकर अभी तक जीएसटी तक वो लोग ये मानते हैं कि हम बैलेंस नहीं कर पाए। नहीं, वो देखिए आपकी ये बात ठीक है, वो तो देखिए अगर इकोनॉमिक पैरामीटर पे देखेंगे ना तो वाकई में वो बैलेंस नहीं हो पाया है। पॉलिटिकल वे में चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे वो एक डिफरेंट चीज है। अपना आप बोलते रहिए कि ये है वो है, लेकिन गुस्सा है। अब सवाल ये है, किया आपने है तो भरेंगे भी आप, तो उसके लिए फिर क्या, अब तो वो चीजें हो गई है, अब आप उसको डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल बहुत अच्छा किया, एटलीस्ट अपनी सरकार बना ली, और यही इनके लिए सबसे बड़ा चिंता था कि कैसे भी करके इनकी सरकार बन जाए, वो हवा और लहर और वो प्रचंड जीत वगैरह, इसके लिए वो अंदर से चिंतित नहीं थे, वो चिंतित ये थे कैसे भी करके हमारी सरकार बन जाए। भले ही बोलने के 150 प्लस बोलते थे, वो सारी चीजें हैं, 150 बोलते थे, इतने बड़े कैलकुलेटिव और रणनीतिकार थे, तो क्यों नहीं 150 का फिगर दिख रहा है। तो वो एक चीज आप मतलब कुछ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन्ड वे में, थोड़ा सा इन्फ्लेटेड वे में आपको बोलना पड़ता है, पॉलिटिकल मजबूरियां होती हैं, जरूरत होती हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन फैक्ट देखा जाए, पॉइंट टू पॉइंट अगर देखा जाए, तो 150 वगैरह का वो सारी चीज, मैंने 1.5 महीने पहले भी मेरा इंटरव्यू था एक टीवी पे, मैंने बोला था मार्जिनल विक्ट्री होगी और हार्दिक पटेल इतने अभी स्ट्रांग नहीं हुए हैं कि वो सरकार बना ले, ये क्लियर कट आज भी है। हार्दिक पटेल प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, आप ये देखिए हार्दिक पटेल प्लस आप देखिए और सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जो मैंने बोला था सर, मैं तो आपके कहने का मतलब ये है कि गुजरात में कांग्रेस का नेतृत्व आज के वक्त में हार्दिक से कमजोर है। नहीं, कांग्रेस केवल गुजरात का नहीं, कांग्रेस का देखा जाए तो ओवरऑल सेंट्रल लेवल पे हर स्टेट में, हर गांव में बहुत कमजोर हो चुकी है। हर स्टेट में हार्दिक नहीं है ना उनके पास? नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल हर स्टेट में बनाना चाहिए उनको, अगर उनको लगता है, ये लगता है अगर उनको, ये भी एक रणनीति है ना कि आप अपने राइवल के खिलाफ 50 और उसके दुश्मन खड़ा कर दीजिए, ये भी तो एक रणनीति होती है ना पॉलिटिक्स। लेकिन रोटी बटेगी ना सर? फिर नहीं, रोटी बटेगी तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो जो मक्खन है, जो मेन पीस है, वो मेरे पास है, तो इस चीज को भी तो मैनेज किया जाता है, जो कांग्रेस ने किया है। और कहीं ना कहीं सारी पार्टियां ये करती हैं या करते रहे हैं, जो भी हो उसमें कोई बुराई नहीं है, लोकतांत्रिक उसमें माहौल में आप कानूनी तरीके कोई भी चुनाव लड़ सकता है, 100 कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, अब उसका फायदा किसको जाएगा, नुकसान किसको जाएगा, ये अपना अपना गुणा और गणित होता है दोनों पार्टियों का, दोनों पार्टियों का अपना गुणा गणित होता है। लेकिन गुजरात में जैसा मैंने आपको कहा कि चाहे बुलेट चलाई हो अहमदाबाद से मुंबई के लिए, चाहे आपने सी प्लेन उतार दिया हो, गुजरात का विकास जो है वो गुजराती समाज कैसे भूल सकता है? और हम ये भी आरोप नहीं लगा सकते कि बीजेपी ने विकास नहीं किया है या विकास कांग्रेस ने सर्व करके दिया, थाली कांग्रेस की थी, आपने तो सिर्फ परोसा है या खाया है। नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, विकास अपने आप में एक इतना भ्रामक मुद्दा है सर, मैं आपको बताऊँ सर, आज के वक्त का मेट्रोपॉलिटन सिटीज का विकास आप कैसे मानते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यार्ड स्टिक कंपैरिजन करने का जो पैमाना है, अगर आप वो रखते हैं कि डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में लंदन वर्सेस गुजरात का कोई शहर या बॉम्बे का विकास, तो आपको रिजल्ट कुछ और मिलेगा, आपको लगेगा जी हम तो बहुत पीछे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, ना बीजेपी ने किया ना डेवलपमेंट। दिस टाइम आल्सो इफ यू गिव वी विल डेवलप, दे आर टेलिंग, दे फॉरगॉट ऑल दैट एंड दे कंसंट्रेटेड ओनली ऑन हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडिया, and attacking the former prime minister, former vice president, former vice chief of the army.
such things he took so that emotionally people can vote for him. And he also said, I am a Gujarati, I am a son of Gujarati. These things were not necessary for a prime minister. He is a prime minister of the country. He should not say that I am a Gujarati, you must vote for Gujarati, or Gujarat people, if they want to survive in the entire country and world, Modi is required. So such things they spread it. So that's why in emotion, even 1% works. That is enough for them to win the election. So he did the same thing. तो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं वो इस बात से सहमत नहीं दिखते हैं कि ये कोई बात ही नहीं है कि मैं गुजराती हूँ कि मैं बंगाली हूँ, जबकि देखिए बहुत फर्क पड़ता है मिश्रा जी, फर्क तो पड़ता है इस बात से कि गुजराती प्रधानमंत्री बैठा है, गुजरात में इलेक्शन है, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? नहीं, 101% फर्क पड़ता है सर। मैं पॉलिटिकल एरिना में ही आपको बताता हूँ, मनसे ने अभी ये किया था कि हाँ भाई आप नॉर्थ इंडियन को भगाइए, बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति रही है वो इसी से चमकी है कि साउथ इंडियन को लुंगी की पुंगी या क्या नॉर्थ इंडियन को भगाइए। तो देखिए पॉलिटिशियंस ने भी इन सब फैक्टर्स को एक्सप्लॉयट करने में कभी ये पीछे नहीं रहे हैं, रिलीजन को, कास्ट को, सेक्टोरियल स्टेट लेवल पे। अभी भी आप देखिए बहुत सारे स्टेट का अब जो है डिस्प्यूट चल रहा है किसी न किसी रिसोर्स या टॉपिक। महाराष्ट्र में बेलगाम एक है, वो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कि ये हमारा एरिया है। अब वहां पे भी फीलिंग होती है नहीं जी मैं महाराष्ट्र का हूं तो मैं कर्नाटका का हूं। ये है, ये एक गलत चीज है, इसको पॉलिटिकल पार्टीज को भी यूज नहीं करना चाहिए और थोड़ा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए, ये मेरा कहना है। लेकिन यूज सब करते हैं और इसका बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है सर। और अगर फर्क नहीं पड़ता तो जब मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो आपके पास अगर डाटा होगा तो आप देख लीजिएगा गुजरात से कितने लोग बनारस में डेरा जमा के बैठे हुए थे, गुजरात से कितने लोग बनारस में डेरा जमाकर बैठे हुए थे। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। कास्ट या कम्युनिटी के, हाँ जाहिर सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे को और कांग्रेस के उन नेताओं को देखना चाहिए जो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि गुजराती है इसलिए गुजराती को वोट देगा, प्रधानमंत्री गुजराती है इसलिए वो जीतेगा। ये चीजें